अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुधवार को पैदल मार्च कर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मणिपुर में हुई घटना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। अजमेर संभाग प्रभारी रामविलास चौधरी ने बताया कि मणिपुर में हुई घटना को लगभग 80 दिन हो गए। इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। ये दुखद घटना है, लेकिन 80 दिनों के बीच जाने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन धारण किए हुए हैं। इसके विरोध में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी जिलों मुख्यालयों पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मणिपुर में महिलाओं और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के विफल रही केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मणिपुर की घटना को घटे हुए आज लगभग 80 से 82 दिन हो गए हैं और एक ऐसी घटना घटी है जिसे पूरा देश शर्मसार है। बड़ी एक दुखद घटना ये घटी है। 80 दिन के बावजूद देश के प्रधानमंत्री, जहां पर डबल इंजन सरकार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री, जिन्हें आज दिन तक 80 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मौन धारण किए हुए हैं। कोई वहां पर सैकड़ों लोग मर गए, 150 लोग मर गए, लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए, कितनी महिलाएं, और ये तो एक दो घटना जो ओपन वायरल हुई, कितनी घटना वहां पर, क्योंकि वहां नेट बंद, 80 दिन से नेट बंद है। वहां के लोग जो आते कि वहां के हालात बड़े बेकाबू हैं, और 80 दिन बाद भी माननीय हमारे पूर्व संपूर्ण विपक्ष लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि आप वक्तव्य दीजिएगा, आप इस पर चर्चा करिएगा, इसके ऊपर शांति बहाली का प्रयास करिएगा, क्या कदम आपकी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उठाया। तो कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं, तब नहीं हो रही तो तब लेकर के हमारे राहुल जी वहां पर लोकसभा में तैयार है, मुख्य और माननीय प्रधानमंत्री जी वो पूरी सरकार को घेरने, पूरा विपक्ष घेरने को। आज राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार जब निर्णय किया गया कि संपूर्ण जिला हेडक्वार्टर के ऊपर मणिपुर की घटना को लेकर के राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से संपूर्ण कांग्रेस के नेता, परिवार, कार्यकर्ता, सब जनप्रतिनिधि आकर के इस घटना के विरोध में पैदल मार्च किया, धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और मांग की है कि वह शांति बहाली हो, वह कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चुप्पी साधे हुए वो इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे करके वहाँ पर एक वक्तव्य, इस बात का विपक्ष को, पूरे देश को, पूरे भारत को इससे वो आश्वासन देना चाहिए कि वहाँ पर ये कार्रवाई हम करेंगे और इस तरह से शांति बहाली के लिए ये प्रोग्राम। वहाँ पर दो समुदाय के बीच के अंतर्गत इतना तनाव पैदा हो जाना, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना, इससे लगता है कि वहाँ की सरकार नाकाम है, देश की सरकार नाकाम रही है वहाँ पर कानून व्यवस्था कायम स्थापित करने में। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और देश को प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, पद पर रहने की कोई उनका अधिकार नहीं है, जब देश पूरा मणिपुर वहाँ पर जल रहा हो, आग लग रही हो। राष्ट्रपति जी के नाम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय के अंदर रैली निकालकर प्रदर्शन करके आज ज्ञापन दिया गया है कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म विशेष की चर्चों को जिस तरह जलाया जा रहा है, जिस तरह की जातिगत वैमनस्य को फैलाया जा रहा है, और 80 दिन के बाद में भी देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सो रहा है, उसको फुर्सत नहीं है कि वो एक मिनट के बारे के अंदर भी देश की आज़ादी के, मैं तो जब छोटा बच्चा था लोग बाग कहते थे कि जब बांग्लादेश का जब गठन हुआ था, मुक्ति सेना वहाँ गई थी, तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, ऐसा अत्याचार सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर नग्न करके महिलाओं को जो लेके जा रहा जा रहा है, जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, जिस तरह का आज जो ये हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि देश का गृह मंत्री अमित शाह में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें।